गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप देखिए, आज दिन है बृहस्पतिवार का और यहाँ मैं भगवान जी के जितने बर्तन हैं उनको साफ़ कर लिया है, अभी ने पोछ रही हूँ। और आज बृहस्पतिवार की पूजा होगी, मैं हर बृहस्पतिवार पूजा करती हूँ बृहस्पति भगवान की। और यहाँ मैंने भोग दिया, भोग के लिए कटोरी में मैंने भोग लगा लिया है। प्रणाम न निकलता भगवान की कृपा से, रावण की स्थिति रहने वाले अपने पैदा करने बड़े होने पाते का स्नान करके विष्णु भगवान पूजन पाठ करने लगी। तो संडे को कथा होने वाली सत्यनारायण भगवान की, तो क्या उसका सामान वामान आ गया, कुछ ले आए हैं? लिस्ट तो दी नहीं, कैसे आएगा? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाए हैं। क्या सरप्राइज लाए हैं भाई? देखो सरप्राइज। क्या सरप्राइज है? अरे वाह, क्या बात है भाई, ये कब लाए? सरप्राइज बताया नहीं जाता, ये कब लाए थे? वाह भाई वाह, इसमें नहीं आएगा रिंग फिंगर में? छोटी है क्या? थैंक यू सो मच। देखिए फ्रेंड, मेरे हस्बैंड जी ने मुझे क्या दिया, इतना बड़ा सरप्राइज, सोने की रिंग। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, आज मुझे इतना अच्छा सरप्राइज मिला जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। आज दिन है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार दिन गोल्ड मिला, अति शुभ है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं किचन की तरफ। और आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना खूब ध्यान भी रखते होंगे। तो अगर जस ये हमारे यहाँ यही काम ही होता है, हम लोग सुनार हैं तो हमारे हस्बैंड का यही काम ही है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये लाते रहते हैं। लेकिन इस बार बहुत दिनों बाद लाए हैं और ये सरप्राइज है, और ये इनके हाथ का ही बना हुआ है रिंग। एक रिंग मुझे मिला था मेरे एनिवर्सरी पे और ये दूसरी रिंग मुझे मिली है आज महीने बाद। सरप्राइज वही हो गया। और लेडीज़ को सोना गोल्ड से कितना प्यार होता है, कितना अच्छा लगता है, ये बताने की ज़रूरत मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, सबको पता है ज्वेलरी बहुत ही पसंद होता है हम लोगों को, गहनों का प्यार किसको नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ, कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है और एक तरफ सफ़ेद मटर के छोले उबल रहे हैं और दूसरी तरफ मैं तैयारी करी तड़के की। तो पहले मैंने प्याज डाल दिया है, तेजपत्ता और पंचफोरन भी डाल दिया है, तो इसको ब्राउन होने तक तल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दिया और इसमें गर्म मसाला भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिक्सर में लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट बना रही हूँ। तो मैं हस्बैंड जी आ गए छोले मसाला लेके, बोले इसको आज डाल देना, गरम मसाला थोड़ा कम ही डालना, इसको भी ऐड कर देना। तो ये सर अपना हाथ सेक रहे हैं, आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो लग रहा है कोई घर में आया हुआ है, इतना तेज़ हवा चल रहा है। तो इधर मैं तैयारी करी मसालों की, मैं मसाले पीस रही हूँ और इधर मुझसे कुछ बात कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, क्या होना है, और कुछ हर्ष और आदित्य के बारे में बात ही हम लोगों की चल रही है। यही टाइम होता है जिसमें हम बात कर पाते हैं, दिन भर तो दुकान चले जाते हैं, इसके बाद टाइम मिलता कहाँ हम लोगों को। तो साथ में ये भी हेल्प कर रहे हैं कि प्याज जलने ना पाए। तो प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अब ये मसाले धीरे धीमी आँच में पकते रहेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दें, तो ये पकते रहेंगे। और जितना भी मसाला इसमें लगा था जार में, उसको मैं धो के डाल देती हूँ। साथ में ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, मसालों को चला रहे हैं, जलने ना पाए, लगे रहते हैं किचन में, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, देखते रहते हैं मैं कैसे क्या कर रही हूँ। सब कुछ इनको भी आता है, ऐसा कुछ नहीं जो इनको ना आता हो, लेकिन मेरी हेल्प करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जगह एकांत में बैठ जाए, ऐसा नहीं, वो इधर उधर किए रहते हैं हमेशा ही। और आप देखिए मसालों को धुल के मैं डाल देती हूँ। तो आज
लंच में सफ़ेद मटर के छोले बन रहे हैं और रोटियां। ये मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया, छोले मसाला आधा ही डाला मैंने, आधा बचा लिया मैंने, आधा इनफ है। तो और इसके बाद देखिए मसाला में कितने अच्छे से भून चुके हैं फ्रेंड्स, एकदम इसमें कलर आ चुका है। तो उसी तरह मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ। और घड़ी बज रहा है 12 और अभी भी मेरा काम चल ही रहा है और आज थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। कपड़े धोए नहीं है, आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं, कपड़े क्या साबुन भी नहीं लगाते हैं, ना ही कपड़ों में, ना ही खुद को कहीं साबुन नहीं, कहीं कुछ धुलना उलना कुछ काम ऐसा नहीं होता है धुएं धाने वाला बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पतिवार को ऐसा हम लोग कोई काम नहीं करते, साबुन का ना ही तेल का कोई ऐसा काम होता ही नहीं है। और मेरा किचन का काम हो चुका है, किचन मैंने साफ़ कर लिया है, बर्तन किचन के सारे हो चुके हैं और मैं दिखाती हूँ मैं किचन मैंने कैसे साफ़ किया है। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा किचन, सारे डब्बे मैंने साफ़ किए हैं, बस बाहर बाहर से, अंदर तो साफ़ ही रहता है। जब कोई चीज़ खाली होती है डब्बों की तो अंदर साफ़ होते हैं, वरना ये जब तेल का पूरा उड़ता है ना, प्रदूषित हो जाता है ये डिब्बे पूरे, तो उसको मैंने साबुन लगा के बाहर से ही एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया, फिर साफ कपड़े से पोंछ दिया है, एकदम चमक गई है सारे सारे डिब्बे मेरे। और ये मेरा स्लैब है, देख रहे हैं एकदम चमक चमक हो रहा है। और ये मसाले का डब्बा भी मैंने आज साफ़ किया है, मसाले थे उसमें तो डब्बों को सिर्फ डब्बा साफ़ किया है, ये छोटे डब्बे वैसे ही हैं, साफ़ ही रहते हैं, साफ़ मैं हमेशा करती रहती हूँ। और इधर मेरा मिक्सर, और ये देखिए आप बर्तन स्टैंड, सब कुछ एकदम साफ सुथरा। आज मुझे अचार डालना है लहसुन का, लहसुन मिर्ची का, तो सारा सामान है। इधर पानी का ड्रम रखा हुआ है और ये एक टिफ़िन अभी रह गया है, उसको धोना है। तो ये कीमे खिड़की है जो मेरी फेवरेट है, जिससे धूप इतनी अच्छी आती है, चाहे आप कितना भी काम कर लो आपका मन नहीं घबराता यहाँ पर। ये देखिए इधर मैं सब कुछ साफ़ किया है, पूरा मिर्चा तोड़ के रख दिया। और ये जो आलू रखे हैं प्लेट्स में, इसको मुझे आज बनाने हैं क्योंकि आलू ख़राब हो सकते हैं, तो इसको मैंने छाट के अलग कर दिया है। और वो लहसुन प्याज अलग अलग हो गया, वो नीचे आलू है, ये तेल का डब्बा है, इधर दो सिलेंडर रखे हुए हैं, इधर कुछ बैग रखे हुए हैं सब्जी उब्जी लाने के लिए। किचन का काम तो हो गया, लेकिन अभी नीचे बच्चों वाला रूम सही करना है, क्योंकि बच्चे इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि जो जिधर मन हुआ उधर फेंका फाका और अपने आप में काम पे चले गए। तो फ्रेंड एक वक्त वो था कि जब मैं जॉब भी करती थी और अपना घर बिल्कुल ऐसे ही संभालती थी जैसे मैं आज संभाल रही हूँ। मेरी टाइमिंग थी 12 बजे दोपहर जाने की और रात में 8 बजे आने की, मैं 12 बजे तक अपना पूरा पूरा काम मैं अपना कर लिया करती थी और फिर अपने शॉप जाती थी। लेकिन आज भी मुझे उतना ही टाइम लगता है और कल भी मुझे उतना ही टाइम लगता था। ये नाक का मेरा फिर से निकल गया, मुझे पहनना है, ये निकल के हमेशा मेरे हाथ में आ जाता है तो बाई चांस मुझे मिल ही जाता है, पहला कि आज एक गोल्ड मिला और दूसरा गोल्ड गायब, ऐसा नहीं हुआ। मुझे नाक में यहाँ खुजली हो रही थी तो अपने ऐसे मैंने टच किया वो निकल जाता है, तो ये हुआ। और चलिए देखते हैं कि अंशिका क्या कर रही हैं। ये देखिए अंशिका मैं कितनी सुंदर ड्राइंग करती हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वाह ये सफाई है हाथ में। और अंशिका ने अपना बेड ऊपर कर लिया है, अपना बैग बैग सब ऊपर ले आई हैं, ये अपना टेबल भी एक नंबर सेट कर लिया है। और अभी मुझे चलना है आदित्य के स्कूल, जिसको स्कूल जाना है उसका 12th का मार्कशीट लेके आना है। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा पूरा रूम सेट हो चुका है, बच्चों का कमरा, इसमें आदित्य और हर्ष होते हैं, तो ये एकदम सेट है। इधर रखा है कूलर जो गर्मी में यूज़ होता है, अभी तो कोई काम नहीं है। और ये है ताड़। और तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ आदित्य के स्कूल, मैं सारे लाइट्स ऑफ कर दी हैं, अंशुरा अकेले है घर में, 10 मिनट का काम, पास में स्कूल है तो मैं स्कूल में फीस
जमा फीस जमा तो हो चुका है, सर्टिफिकेट लेने जाना है आदित्य की 12th का, तो वही मैं लेके आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये है आदित्य का स्कूल, मैं स्कूल आ चुकी हूँ और यहाँ पर मालूम पड़ा मुझे कि स्कूल बंद, स्कूल का टाइम 12 बजे तक का ही है, तो मैं लेट हो चुकी थी। कोचिंग जाने की तैयारी जा रही हो? कितने बजे आओगी? क्या ढूंढ रही हो? सॉक्स आगे रूम में होगा ना। बाय। तो फ्रेंड्स अंशिका हमारी कोचिंग चली गई, 5 बज गया है। चाय आज मुझे ही बनाना पड़ेगा किचन में, तो मैं चलती हूँ चाय बनाती हूँ। और आज मैं खूब सोई, 2 घंटा 3 घंटा मैं खूब सोई हूँ, बहुत अच्छी नींद लगी मुझे आज। तो अब आलस आ रहा है थोड़ा सा, मुझे काम भी है, पर काम तो ज़िंदगी भर चलता रहे, काम कभी ख़त्म तो होने वाला है नहीं, काम तो करना ही है। इस रूम की मुझे लाइट और बढ़वानी है, लाइट बहुत धीरे है इस रूम की, मुझे एक लाइट और लगवानी है। और नहीं ये बंद है शायद, ऑन करती हूँ मैं। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो बस चाय चाय बनाना मुझे बहुत बड़ा भारी काम लगता है, सारे काम करवा लो, चाय बने मत बोलो, चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखिए चाय बन रही है हमारी, बस एक कप चाय बन रही है मेरे लिए। और इधर मैंने अपने अचार की तैयारी भी कर ली है, लहसुन को 2 दिन तक सुखवा लिया है, उसको मतलब छोटा छोटा काट काट के और 2 दिन तक सुखवा दिया है। और ये मिर्चा जिसे मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है मिक्सर में, और इन दोनों को मिक्स करके अचार बनेगा। जो अचार बना हुआ है उसी में मैं इसको भी ऐड कर दूँगी, मिला दूँगी। सारी चीज़ें तो डाली हुई उसमें है ही, बस मिर्चा ही सॉरी अमचूर ही ऐड करना है, बाकी सब कुछ उसमें मिक्स हो चुका है। अच्छा, ये अलमारी भी ठीक करनी है, वो भी ठीक करूँगी मैं। और टीवी का थोड़ा अन्न भी लेते हैं। आज मम्मी बोल रही थी मेरी मम्मी दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में, और उन्हें कुछ अपने ऊनी कपड़े भी खरीदने हैं, तो साल स्वेटर वगैरह कह रही मुझे कहीं अटेंडर में जाना पड़ ही जाएगा, तो मुझे लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब कल आज नहीं अब कल मैं उनकी शॉपिंग के लिए भी जाऊंगी। ये देखिए मैंने अपना अचार तैयार कर लिया है, ये हरा अचार तैयार हो गया है। इसमें हरा लहसुन, मिर्चा, नमक, हल्दी, अमचूर ज़्यादा पड़ा है इसमें, अमचूर मतलब ज़्यादा ज़्यादा होती है। तो ये हमारा 1-2 दिन अगर धूप दिखा देंगे तो ये खाने के एकदम तैयार है, और अगर नहीं भी दिखाएंगे तो मैंने लहसुन और मिर्चा का पहले धूप दिखा दिया है, आप बस इसका ढक्कन लगा के 2-3 दिन तक बस अलटते पलटते रहिएगा इसको, आप ऐसे अच्छे से हिलाते रहिएगा, हिलाने से भी 2-3 दिन में ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। कोचिंग से आई नहीं है, अंशिका और नंदी दोनों नहीं आई हैं, और बहुत ही ख़तरनाक वाला मौसम हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं ये लोग शॉप से कैसे आएंगे, क्या हुआ कुछ समझ में, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा हेडक हो रहा है, अब कैसे मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोचती हूँ जाके उन लोगों को ले के ही आ जाऊँ। तो अभी गई ना, पहले लोग पूछो अपने आप को, लो पकड़ो, लो 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 अंशिका अच्छे से पूछो, उसको उठाओ बार बार अच्छे से पूछो। हमारे हस्बैंड जी आ गए हैं, बाय। सब्जी आलू की भुजिया, चावल, और इधर मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ, दाल में तड़का लगाने की तैयारी हो रही है, प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, तो आज हमारा यही डिनर है, दाल चावल और आलू की सब्जी। तो आइए आप भी खा लीजिए हमारे साथ, यहाँ मैं डिनर निकालने जा रही हूँ, अंशिका को उसको भूख लग गया है, बोली कल से मम्मी मुझे खाना निकाल दो, तो अभी रात के 9 ही बज रहे हैं, तो
तो बच्चे मेरे दोनों भी आए नहीं हैं, हस्बैंड जी तो आ चुके हैं। ये खा निकल गया हमारे अंशिका का, दाल चावल और सब्जी, ये हमारा आज का डिनर है। और भूख लग गई अंशिका को तो फिर उनको खा दे देते हैं। अंशिका आओ खाना खा लो, आओ खाना खा लो। तो फ्रेंड्स हमारा डिनर बन चुका है और चल रहा है अभी सीरियल दे रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स हमारा डिनर हो गया है तैयार, अंशिका को खाना मैंने दे दिया है। अभी अंशिका के पापा बोल रहे हैं कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, तो आप बच्चों को आ जाने देते हैं। बच्चे दोनों अभी नहीं आए, आदित्य और हर्ष नहीं आए, तो मेरा काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया। रात का डिनर भी मेरा बन चुका है, दाल चावल सब्जी। और रात में हम लोग चावल दाल खाते हैं, रात में इन लोगों को रिलैक्स मिलता है, कहते हैं आराम से हमें सुकून रात में मिलता है। सुबह हड़बड़ हड़बड़ से चावल दाल नहीं खाते बनता है, और मैं बनाती भी नहीं, क्योंकि बच्चे साइकिल से दुकान जाते हैं, साइकिल से जाने के बाद चावल तो तुरंत पच जाता है, तो चावल कोई मतलब बनता नहीं है। और वो सब बार बार बोलते हैं कि रात में ही मैं दाल चावल खाऊंगा, सुबह मत बनाना, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। और दाल चावल का टाइम रात में हमारे यहाँ होता है, आराम से खाते हैं, सब हल्का खाना है, खाओ और सो जाओ। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। रात के 9:30 बज गए हैं, मेरे बच्चे अभी आए नहीं हैं, और बस मैंने फ़ोन किया उन लोगों को, वो लोग आ रहे हैं, तो मैं रखती हूँ। आपसे कल फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।